और तंजीम हसन शाकिब की उम्र सिर्फ 21 साल है। ये सिर्फ 21 साल के हैं और 21 साल में ही इन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेस किया है। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप में अब तक तंजीम का जो प्रदर्शन है बड़ा शानदार रहा है। यहाँ जी तंजीम हसन शाकिब के बारे में बात हो रही है। T20 में टॉप 3 प्लेयर्स में तंजीम का नाम आ चुका है, जिसने बेहतरीन बॉलिंग जो है करवाई है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में भी तंजीम ने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। इससे पहले बांग्लादेश और नीदरलैंड के साथ मुकाबले में भी तंजीम हसन ने सबसे ज़्यादा विकेट्स अपने नाम की। इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच में तंजीम हसन ने बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्म किया और बड़ी तादाद में विकेट्स को अपने नाम किया। इंडियन मीडिया बांग्लादेश की तारीफ़ कर रहा है, बांग्लादेश की इस खिलाड़ी की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तंजीम हसन एक काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उनको देखने की ज़रूरत है। वो हार्श हो जाते हैं, और जब उन्होंने विराट कोहली को आउट किया तो उन्होंने कोई लफ्ज़, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने गाली दी है विराट कोहली को। अब यहाँ पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि तंजीम हसन जो है विराट को आउट करके तो बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के वे में एक्ट कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करती हूँ, इंडियन मीडिया तंजीम हसन के बारे में क्या कह रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। तंजीम हसन वाकई में इस काबिल है कि उनकी तारीफ़ की जाए। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उसे चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के खिलाफ मुकाबले में बांग्लादेश के एक गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से तो सभी को प्रभावित किया, लेकिन उसी के साथ साथ उस गेंदबाज ने विराट कोहली को आउट करने के बाद गाली दी। सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद आंख दिखाई। कौन है बांग्लादेश का तंजीम हसन शाकिब, जिसने मैदान पर हिंदुस्तान के दो बल्लेबाजों के साथ बदतमीजी की? सबसे पहले मैं आपको उसकी बदतमीजी की तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल देंगे। साथ ही सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर तब की है जब तंजीम ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया। ठीक है भाई, गेंदबाज का काम है बल्लेबाज को आउट करना, तो तंजीम ने विराट को बोल्ड कर दिया। लेकिन उसके बाद देखिए, ये देखिए किस तरह से घटिया सेंड ऑफ दिया तंजीम ने विराट कोहली को, और बीच मैदान तंजीम ने विराट कोहली को अपशब्द कहे, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से पहले तो चिल्लाए विराट कोहली के ऊपर, और फिर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तंजीम विराट कोहली को गाली देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चिल्लाए, एग्रेशन दिखाए, ठीक है, लेकिन आप विराट को गाली नहीं दे सकते। एक विकेट लेकर आपने कोई बहुत बड़ी जंग नहीं जीत ली कि आप ऐसे आएंगे मैदान पर और विराट जैसे बल्लेबाज को गाली दे देंगे। क्या किया इस गेंदबाज ने पूरे मैच में, आपको वो बताते हैं। साथ ही कौन है ये बंदा, कौन है तंजीम हसन शाकिब, उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, तंजीम हसन शाकिब की दमदार गेंदबाजी, ठीक है, बहुत दमदार गेंदबाजी की उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ मुकाबले में। तंजीम ने अपनी रफ्तार से कहर मचाया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, बहुत स्पीड मतलब उन्होंने दिखाया इस मैच में। विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विराट को क्लीन बोल्ड किया और विराट की तूफानी पारी पर लगाम लगाई। विराट कोहली बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बोल्ड किया, भाई विराट की पारी वहीं रुक गई। उम्मीद थी कि विराट बड़े रन बनाएंगे, और आउट करने के बाद विराट को गाली दी। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तब की है जब तंजीम ने विराट कोहली को आउट करने के बाद गाली दी, जिस बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। साथ ही विराट ने तंजीम को कोई जवाब नहीं दिया। विराट ने कहा, हटो यार, क्या तुमसे बात करनी, कौन हो तुम, आउट कर दिया, क्या कर लिया तुमने, आउट ही किया ना, चले गए विराट कोहली पवेलियन। और विराट के बाद तंजीम ने स्काई को आउट किया। विराट कोहली के बाद तंजीम ने स्काई को भी आउट कर दिया। लगातार दो बड़े बल्लेबाजों को तंजीम ने आउट किया। स्काई को दूसरी गेंद पर ही पवेलियन भेजा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्काई को तंजीम ने दूसरी गेंद पर ही पवेलियन भेज दिया। पहली गेंद पर उन्हें छक्का मारा, दूसरी गेंद पर स्काई को आउट कर दिया। और तंजीम की गेंद को समझ नहीं पाया स्काई, एकदम से उठ गई वो, एकदम से बहुत तगड़ा कैरी हुई और बहुत उछाल लिया उस गेंद ने, स्काई उसको समझ नहीं पाए। बांग के युवा गेंदबाज है तंजीम हसन शाकिब। मैंने आपको कहा था ना, बताऊंगा कि कौन है। तो बांग्लादेश के एक युवा तेज गेंदबाज हैं तंजीम हसन शाकिब, शाकिब उल हसन टाइप का नाम है इनका।
और तंजीम हसन शाकिब की उम्र सिर्फ 21 साल है। ये सिर्फ 21 साल के हैं और 21 साल में ही इन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेस किया है। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड कप में अब तक तंजीम का जो प्रदर्शन है बड़ा शानदार रहा है। गेंदबाजी से अच्छा कर रहे हैं लेकिन विवादों में भी रह रहे हैं। इंडिया के खिलाफ बदतमीजी की और उससे पहले नेपाल वाले मुकाबले में भी बल्लेबाज को धक्का तक मार दिया था, हाथापाई तक कर दी थी उन्होंने। क्या करें यार, समझ नहीं आती इन लोगों को ना। आ जाते हैं कोई, फिर बल्लेबाज ऐसा, बल्लेबाज अगर आपको बैट मार दे फिर क्या हो जाएगा, अगर आप उसको गाली दे रहे हो हाथापाई कर रहे हो तो। लेकिन उनमें तमीज़ है, इनमें नहीं होती। बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स में ना, शाकिब अल हसन ही एग्जाम्पल ले लो। और अफ्रीका के खिलाफ तंजीम ने 3 विकेट लिए थे इसी वर्ल्ड कप में, और नेपाल के 4 बल्लेबाज को पवेलियन भेजा था, यानी कि नेपाल के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। साथ ही आपको बताऊं, T20 वर्ल्ड कप में टॉप 3 गेंदबाजों में शामिल है, नंबर 2 पर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब तक इस वर्ल्ड कप में 11 विकेट ले चुके हैं और मुझे लग रहा है अच्छे गेंदबाज हैं, इनका भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए इनको अपनी हरकतों पर कंट्रोल करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान अपनी गेंदबाजी पर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर विवादों में पड़ते रहेंगे बैन लगता रहेगा और ज़्यादा मैच नहीं खेल पाएंगे। अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन ये सब हरकतें करने से बचना होगा कि गाली मत दो, आंख मत दिखाओ, आपका काम है विकेट लेना, विकेट लो और वो काम करके चुप करके अपने जो 4 ओवर उनको खत्म करके पवेलियन चले जाओ। तंजीम हसन ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया और क्लीन बोल्ड करने के बाद कोई उन्होंने शब्द बोले हैं और तस्वीरें जो है दिखाई जा रही हैं कि उन्होंने जी गाली दी या डीटी सी। अब इसका मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं, बस यहाँ पे जी तंजीम हसन शाकिब ने बहुत दमदार किस्म की बॉलिंग की है। अब भले ही बांग्लादेश मैच हार गया लेकिन बांग्लादेश ने बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। ये मैं नहीं कह रही, हर एक मीडिया चैनल जो है कह रहा है कि बांग्लादेश ने किस तरह 150 के करीब अपना स्कोर लेके गए, और 150 का स्कोर आई थिंक एक बहुत अच्छा स्कोर है। वेल, इंडिया की बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है, ये वजह है कि वो एक काफ़ी बड़ा उन्होंने टारगेट बांग्लादेश को दे दिया कि उसको चेज करें। सो 146 तक बांग्लादेश जो है स्कोर बना सका, लेकिन आगे बनाना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन स्टिल बांग्लादेश ने बहुत अच्छे अंदाज में प्ले किया। यहाँ पे जी मैं देख रही थी कि कुछ ओवर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़े हैं बांग्लादेश को, और शकीबुल हसन ने कुछ ओवर्स जो हैं काफ़ी महंगे करवाए, तो सबसे ज़्यादा ओवर्स जो हैं महंगे उन्हीं के थे। पहले यहाँ पे जी तंजीम हसन शाकिब की बॉलिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और टॉप 3 बॉलर्स में उनका नाम आ चुका है। T20 में सबसे ज़्यादा बेहतरीन बेस्ट किस्म के बॉलर तंजीम हसन शाकिब बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी तारीफ तो हो रही है लेकिन साथ ही आ जा रहा है कि उनको थोड़ा सा अपने जो एंगर मैनेजमेंट है वो करने की ज़रूरत है। और अगर उन्होंने आउट किया है तो उनको किसी भी खिलाड़ी को, ठीक है, हार्श वे में उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए और बहुत आराम से लाइक अपनी खुशी का इजहार करें, लेकिन अदर प्लेयर को वो ऐसे नहीं कहें। आई डोंट नो क्या कहा है, ये मुझे नहीं पता। वेल, बहुत सारी जो बॉडी लैंग्वेज है मोस्टली मैचेस में पिक्चर्स के थ्रू वो शो की जाती है, तो यहाँ पे भी पिक्चर्स के थ्रू शो किया जा रहा है और वो उनका कहना है कि विराट कोहली को गाली दी गई एंड ब्ला ब्ला। इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन तंजीम हसन शाकिब को आई थिंक ऐसा ऐसा वो लर्न करेंगे। और ये देख के मैं हैरान हुई हूँ काफ़ी कि ही इज़ जस्ट 21 years old एंड ही इज़ क्वाइट यंग टू प्ले एंड ही इज़ रियली ए फास्ट बॉलर ऑफ बांग्लादेश टीम, ही इज़ रियली ए बेस्ट बॉलर ऑफ बांग्लादेश टीम। वेल, आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? और तंजीम हसन शाकिब जो हैं छा गए हैं और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं। अब सी यू, अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का भी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।